आज सर आठवीं क्लास है। चौबीस अप्रैल 1968। रूहानी म्यूजियम दिल से जचता नहीं है, अक्षर ऐसे निकलने चाहिए कि फिर से 5-4 वर्ष बाद रूहानी नॉलेज रूहानी बच्चों को मिल रहा है। फिर गुम हो जाता है तो समझें कि बाप ही पढ़ाए रहे हैं। कृष्ण तो दैवी गुणों वाला बच्चा हो गया, मनुष्य। निराकार भगवान कैसे पढ़ाते हैं ये पूछने का कारण मिलेगा। उनको कहा ही जाता है निराकार। इनको नहीं कहा जाता है निराकार, इनका माना किनका? ब्रह्मा का। निराकारी स्टेज का ऐसा एक भी फोटो नहीं है तो उनको कहा जाता है निराकार, जिसका अर्थ कोई जानते नहीं है। उसको भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन को याद करते हैं, कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कह सकते। ब्रह्मा को भी पतित पावन नहीं कह सकते। अगर कृष्ण को कहें तो राम का नाम न लेवे। अंधश्रद्धा से सीख जाते हैं। ज्ञान तो है नहीं, भक्ति है। भक्ति के लिए ज्ञान है, ऐसे नहीं कि राजाई के लिए ज्ञान है। बल पाठशाला भी लिखते हैं, गीता को पाठशाला कहेंगे। गीता की पाठशाला है ना। मंदिर में जावेंगे तो पाठशाला नहीं कहेंगे, गीता पाठशाला कहते हैं। वेद उपनिषद आदि को भी पाठशाला नहीं कहेंगे, क्योंकि पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट होती है। भगवान की गीता पाठशाला जहां नर को नारायण बनाया जाता है, मन फलाना दर्जा मिलेगा, तो ये भी ऐसी पाठशाला है जिसमें बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। किसका पाठ? राजयोग का पाठ पढ़ाते हैं। बाप जो ज्ञान देते हैं वो प्रायः लोप हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद इस पुरानी दुनिया का ही विनाश हो जाता है।
जो पास होते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं, बाकी परमधाम वापस चले जाएंगे। वास्तव में ये ज्ञान लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है, तुम ब्राह्मणों को अभी मिलता है ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, और पद पा लिया तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। बाकी भाषा के लिए पढ़ते हैं, इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई को पता ही नहीं है, तो बाप सिद्ध करके बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में ज्ञान है ही नहीं, सच्ची जानकारी ही नहीं है, यूं ही अंधश्रद्धा से भागते रहते हैं। जानने लायक कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जानकारी लेने से तो मनुष्य ऊंच पद पाते हैं। बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं जहां पवित्र रहते हैं, तो पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम्हारी लड़ाई है पांच विकार रूपी रावण से, और बड़ा झगड़ा पांच विकारों का जो मुखिया काम विकार है उस पर चलता है। शुरू में भी कहते थे ज्ञानामृत पीने जाते हैं, बाप भी कहते थे अमृत छोड़ विष काहे को खाते हो, विष खाने वाले को विशेष विकारी कहा जाता है, अक्षर तो है ना और उसका अर्थ भी है, वॉइसलेस दुनिया विशेष दुनिया। ये लक्ष्मी नारायण तो निर्विकारी दुनिया के मालिक है, तो विकारी किसको निर्विकारी किसको कहा जाता है मनुष्य बिचारे तो जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही नंबर वार समझते हो, गांव गांव में प्रोजेक्टर ले जाकर के समझाने से ये चित्र ले जाना अच्छा है। प्रोजेक्टर पर समझाने से ज्ञान का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, और फिर कहां लाइट हो न भी हो तो प्रोजेक्टर तो इतना काम दे नहीं सकता। जिनको भी फ्रीडम है घर घर में 6-8 चित्र मुख्य होने चाहिए, सीढ़ी का त्रिमूर्ति का गीता का भगवान कौन, ये 4-6 चित्र ही काफी है, और ये 6 चित्र दाम तो नहीं खाते हैं। जो अच्छे सर्वसेवल बच्चे हैं तो हर एक के घर घर में म्यूजियम होना चाहिए चित्रों का। प्रोजेक्टर से इतना अच्छा नहीं देखने में आवेगा, कोई पढ़ भी नहीं सकता है, चित्र तो पढ़ सकेंगे, अच्छी रीत समझ में आवेगा, इसलिए चित्र सबसे अच्छे हैं। और चित्रों में भी पहले जड़ चित्र आते हैं, बाद में
चैतन्य चित्र भी आवेंगे। प्रोजेक्टर तो जड़ ही होता है, चैतन्य चित्र तो और ही अच्छी तरह पढ़ सकेंगे, अच्छी रीति समझ में आवेगा। इसलिए चित्र सबसे अच्छे हैं, गरीब भी रख सकते हैं। हर एक जो भी चाहते हैं किसको समझावें, कोई को मेहमान आकर घर में रहते हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं, तो बहुत ही सर्विस कर सकते हैं। कोई बांधीली भी है, ज्ञान तो है ना, जितना हो सके घर में ही ज्ञान गंगा बहती रहे। तुम हो ना ज्ञान गंगा है, जो आए उनको तुम समझावेंगे तो सर्विस की इस तरह वृद्धि होती जाएगी। और इसमें लज्जा की भी बात नहीं है, दुनिया में तो जंगली जानवर बहुत हैं, कुछ भी समझ नहीं है। जो भगवान को ही नहीं जानते उनको महान मूर्ख कहा जाता है। और बाप द्वारा ही भगवान को जाना जाता है, बच्चे दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। ब्राह्मणियों को पूछना चाहिए, तुम घर में चित्र रख सकती हो, मित्र संबंधी आते तो बहुत है, तो घर में चित्रमाला बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो छोटे होते हैं, कोठरी बनाते हैं, ये चित्र तो जास्ती जगह नहीं लेते हैं। चित्रों पर समझाना है, बाप हमको ये वर्षा देते हैं, और बाप भारत में ही आते हैं, कोई विदेशों में नहीं आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था। बाप आते हैं, एक धर्म की स्थापना कर रहे, जबकि अभी तो दुनिया में अनेक धर्म है। और जो असली एक धर्म है वो है ही नहीं। जैसे बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए कि किस प्रकार हमको रहम करना चाहिए। अंधों का लाठी बनेंगे, बाप का परिचय दे देंगे, पैगंबर मैसेंजर बनेंगे, बहुतों का तुम कल्याण कर सकते हो। अभी तो बहुत थोड़े सेंटर्स हैं, आगे चल करके घर में भी, घर घर में ये चित्र होंगे। वो दुनियावी चित्र तो है भक्ति मार्ग के, और ये है ज्ञान मार्ग के। इन ज्ञान मार्ग के चित्रों की तुम भक्ति मार्ग के चित्रों से भेंट करके भी समझा सकते हो। वो झूठे चित्र तो कोई काम के नहीं है, भक्ति मार्ग के चित्र भी तुम रख सकते हो, और ज्ञान मार्ग के चित्र भी रख सकते हो, भेंट करके सिद्ध करके समझाने के लिए। ये सीढ़ी पर समझाना कितना सहज है, इसमें 84 जन्मों की कहानी समझानी है।
जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो ही जास्ती सुनने की ख्वाहिश रखेंगे। पूरे 84 जन्म नहीं लिए होंगे, पक्का भारतवासी नहीं होगा, तो उनको सीढ़ी के चित्र पर सुनने की ख्वाहिश भी नहीं होगी। माना भारतवासियों को सीढ़ी के चित्र पर सुनने में बहुत मजा आएगा। 24 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। जो कम जन्म लेने वाले होंगे तो जरूर कम कला वाले होंगे, कम कला वाली आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगी तो दूसरे देश में भी जावेंगी, जैसे कि विदेशी बन जाते हैं। तो भारत से उनको इतनी कशिश न रही ना, तो भारत के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। 80-81 जन्म लेने वाले पूरा इतनी ख्वाहिश नहीं रखेंगे, ऊंचे से ऊंचे बाप जो पढ़ाते हैं तो जरूर ऊंचे से ऊंचे बनाने के लिए पढ़ाते हैं, और हम भी वही पढ़ाई पढ़ते हैं। हम दूसरों से पढ़ाई क्यों पढ़े? और सभी बातें भूलिए, बात समझानी, ये ईश्वरीय पाठशाला है। इस ईश्वरीय पाठशाला में एक ईश्वर बाप ही पढ़ाते हैं, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी हो गई। यूनिवर्सिटी माना ही यूनिवर्स के लिए। ये चक्र कैसे फिरता है, इसकी नॉलेज तुमको मिलती है। तो ये यूनिवर्स का चक्र रूहानी यूनिवर्सिटी में है। परमपिता परमात्मा समझाते हैं आत्माओं को। यहाँ तुम बच्चे आए हो टीचर बन करके जाने के लिए। तुम हर एक ब्राह्मण को टीचर बनना चाहिए। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये टीचर तो हज्जाम है। होशियार टीचर बनना चाहिए। यहाँ बैठते हो तो सेकंड में सारा चक्र याद आता है, झाड़ याद आता है, पहले पहले सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये दिल में रहता है ना। यार तो जैसे सामने खड़ा है, ये रहा बीज और ये रहा झाड़। बीज फिर कैसे वृद्धि को पाता है, विस्तार को पाता है, तो झाड़ बन जाता है, सारा मालूम पड़ जाता है। बच्चों के दिल में सारा ही चक्र याद आता है। तुम बच्चे ही चक्रधारी बन जाते हो। तो हद की नॉलेज और बेहद की नॉलेज दोनों ही चाहिए कंट्रास्ट करने के लिए।
गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बनिए, नॉलेज भी देते रहो, वो भी पढ़ते रहो। आगे चल करके वो भी समय आवेगा कि और दुनिया भी सभी क्लास बंद हो जाएंगे। तुम्हारा ये रूहानी क्लास ही चारों ओर चालू रहेगा। अरे सिर्फ यही एक क्लास रहेगा। जब टाइम ही नहीं होगा तो पढ़ करके क्या करेंगे। बिना सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा तो सबका अटेंशन इस तरफ चला आएगा। छोड़ो उस पढ़ाई को, बच्चों को समझाया है हठ योग जो करते हैं ऐसे नहीं कि उनको बाप और शक्ति चक्र बुद्धि में रहता है, नहीं, बच्चे जानते हैं हम पहले प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब अपवित्र बन गए। फिर 21 जन्म लिए, सुख शांति की पवित्र दुनिया में 21 जन्म लेते, अभी संगम युग पर फिर हमको पवित्र बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, परंतु इसके लिए सहन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। April 28 की वाणी के रहे हुए पॉइंट्स। इस समय तो सारी दुनिया पतित है, इस समय माने किस समय, कलयुग के अंत में। चाहे कोई महात्मा हो, सन्यासी हो, धर्म पिता हो, पोप हो, पंडित हो, विद्वान आचार्य हो, सब पतित हैं। बाबा समझाते हैं इनका भी यही हाल है। किनका है? ब्रह्मा की तरफ इशारा करके बताया, इनका भी यही हाल है। पहले ये भी फर्स्ट क्लास पावन था, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बनना पड़ता है। अभी इनको भी एक मिला है तो सर्व की सदगति हो जाती है। और यहाँ बाप के पास भक्त ही आते हैं, जो भक्त भी नहीं है वो तो आते भी नहीं है। और अभी सभी भक्त ही है ना, भगवान आकर के भक्तों को उठाते हैं, भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान जरूर पढ़ा करके भगवान भगवती बना देंगे, डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा, भगवान क्या बनावेगा, भगवान भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु फिर भी बाप कहते हैं कोई मनुष्य को भगवान भगवती कहा नहीं जा सकता, ये तो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं,
इनको देवता कहा जाता है। जो 84 जन्म लेकर के फिर अंत में आकर आसुरी गुणों वाली बन जाते हैं, फिर उन आसुरी गुणों वाले मनुष्यों को, नरों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर नर से नारायण बनाता हूँ। तो देखो, अभी मैं तुमको दैवी गुणों वाला बनाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, इसमें दर्शन करने की कोई बात नहीं है। कोई दर्शन करने आवे, समझो भक्त है या ज्ञानी है, हैं? भक्त की लिस्ट में है। जो 84 जन्म लेकर फिर अंत में आसुरी गुण वाले भक्त बन जाते हैं। अभी मैं तुमको दैवी गुण वाला बनाता हूँ। तो देखो, दर्शन की कोई बात नहीं है। जो पढ़ाने वाला आया हुआ है उससे पढ़ना है, टीचर से पढ़ना होता है ना, कि दर्शन करना है। यहाँ दर्शन आदि की कोई बात नहीं। दर्शन करना माना पूरा 84 जन्मों का ज्ञान होना। दर्शन आदियां है ही नहीं। दर्शन आदि करना होता है सन्यासियों को। मनुष्य समझते हैं कि देवताओं के दर्शन होने से ही हम देवता बन जाएंगे। फिर भगवान को आकर गीता ज्ञान देने की क्या दरकार। गीता में तो लिखा हुआ है, हे अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने, और हे द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जिससे नारी से लक्ष्मी बने। तो यहाँ तो कर्म करना सिखाया जाता है, कर्मों की नॉलेज दी जाती है। अच्छा, क्या हनुमान का दर्शन करने से हनुमान बन जावेंगे? गणेश का दर्शन करेंगे तो गणेश बन जावेंगे? हाथी और बंदर बनना पसंद करेंगे? भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर चित्र हैं। कृष्ण को भी काला बनाए दिए है, राम को भी काला दिखाई दिए है, शिवलिंग को भी काला दिखाई दिए है। इस चित्र में दिखाया है कृष्ण काली दुनिया नरक को लात मार रहे हैं। नई दुनिया तीरी पर वैश्य की तरह रखी हुई है, जैसे कि बुद्धि रूपी तीरी में सारा नक्शा खींच जाता है। अभी ये कहते हैं मैं आ रहा हूं, कौन कहते हैं? कृष्ण के चित्र की बात बताई ना, जो पहले दिखाया जाता था पुराने पुराने ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में। ये चित्र दरवाजे पर रखा हुआ होता था, बड़ा चित्र। कृष्ण लरक को, नरक के गोले को लात मार रहे हैं और नई स्वर्ग की दुनिया का गोला हाथ में रखा है, और ऊपर लिखा होता था कृष्ण आ रहे हैं शीघ्र। अभी ये कृष्ण का चित्र गायब हो गया।
तो क्या झूठा चित्र बाबा ने रखवाया था? शीघ्र ही कृष्ण आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ जिस कृष्ण का शास्त्रों में गायन है वो कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके फिर से पाठ बजाती है। पहले ब्रह्मा दादा लयघराज के रूप में पाठ बजाती थी, अभी वो शरीर छोड़ करके संगमयुगी कृष्ण के रूप में पाठ बजाई रही है, पुरानी दुनिया को लात मार रही और नई दुनिया का खाका जैसे बुद्धि में खींचा हुआ है, सामने खड़ी है। जो श्री कृष्ण को पहचानते हैं उनको प्यार बहुत रहता है, कृष्ण में प्यार होता है ना। तो अभी तुम जानते हो ज्ञान के बाद भक्ति और भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान वाले फिर भक्ति में आने जरूर है, परंतु पहले ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं। सुख भोगते हैं फिर भक्ति में उतरते हैं, और पहले पहले भक्ति भी तुम शुरू करते हो और ज्ञान में भी पहले पहले तुम ही आते हो। ज्ञानी भी पहले तुम बने और भक्त भी तुम पहले तुम ही बनते हो। तो तुम ब्राह्मणों को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, स्वमाने आत्मा, और आत्मा के 84 के चक्र को बुद्धि से तुमने धारण किया हुआ है, बुद्धि में देखते रहते हो। नया कोई सुने तो सुदर्शन चक्रधारी भव कहेंगे तो कहेंगे कि इनकी कोई भाषा है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु था, क्योंकि ब्राह्मणों को तो अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, इसलिए विष्णु को ये चित्त दे दिया है। दुनिया वाले तो जरूर मुझेंगे, इसलिए नए को कोई को पहले ले आओ तो उनको अलग से समझाना पड़ता है, पहले बाप का परिचय। पहले पहले ये समझानी देनी है कि मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, ये पारलौकिक बेहद का बाप वर्षा बेहद का देते हैं। शिव बाबा जब आए थे तो ये बेहद का वर्षा दिया था, और तुम्हारी बुद्धि में तो है ही कि ये कल की बात है, कल भारत विश्व का मालिक था, आज गरीब है। तो इसमें मुख्य है पवित्रता की बात, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बुद्धि पवित्र है तो सुख शांति पवित्रता सब कुछ होती है, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां बुद्धि अपवित्र होती है
अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं और गरीबी आती रहती है। लोग कहते हैं ये भाई बहन बनाते हैं, लेकिन बाबा तो यहां उससे भी ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं भाई बहन में भी नीचे ऊपर बुद्धि हो जाती है। अच्छा, अपन को भाई भाई समझो। और ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, आत्मा आत्मा भाई भाई देखना चाहिए। आत्माओं को ही मैं सकाश देता हूं। अपन को भी यह शरीर देखना है, दूसरों को भी यह शरीर देखना है। ऐसे ऐसे अशरीरी देखते देखते तुम शरीर को बिल्कुल ही भूल जावेंगे। तुम्हारी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस ही पक्की हो जाएगी। तुम बहुत हल्के होते जावेंगे। अभी तो देखो घड़ी घड़ी माथा भारी हो जाता है। बाप तो तुमको भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। अब जो करे सो पावे। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। सुधारने वाला कौन है? हर्षद का बाप सुधारने वाला है। जो लौकिक कहा जाता है भले बेहद का है, यह बेहद का बाप सुधारने वाला है। जो अलौकिक वो पारलौकिक कहा जाता है। दोनों दृष्टि सुधारने वाले हैं, शक्ति सुधारने वाले हैं, या एक ही शक्ति दृष्टि सुधारने वाला है? दो है, शक्ति सुधारने वाला एक ही ऊंचे ऊंचे बाप है। पाकिस्तान में एवर प्योर बाप आया हुआ है। तो पति सुधारेगा एरिया या एवर प्योर सुधारेगा। आत्माएं दो है, एक एवर इम्प्योर और एक एवर प्योर, एक भोगी और एक अभोक्ता। वेदों में ये ऋचा प्रसिद्ध है, बाया समानम प्रथम जाते। भक्तिभाव के द्वापर से ही ये वेद लिखे गए और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी गई। ये सत्य रूपी वृक्ष पर दो विशेष पक्षी हैं। एक है भोक्ता भोगी है और एक है अभोक्ता। तो सुधारने वाला कौन है? अभोक्ता ही सुधारने वाला। लेकिन जब तक भोक्ता में प्रवेश न करे तब तक सुधार नहीं हो सकता। अभी भी कहते हैं एक का सुधार तो सब का सुधार हो जाता है। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है।
इसका मतलब दिल्ली आधार है, साकार है, जगत की माता है, माताओं को सब ने नीचे गिराया है। वो पतित को पावन बनाए बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, माता को गुरु बनाकर आगे रखना पड़े। तो ऐसे ही वो निराकार आता है इस सृष्टि पर। उसको भी आधार चाहिए, पांच तत्वों का पुतला चाहिए, प्रकृति को आधीन बनाकर आता हूं। तो उस निराकार के लिए अव्वल नंबर सीता कौन हुई? निराकार शिव अभोक्ता जब इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले सीता का रूप कौन है? तुम सब सीताएं हो। शिव निराकार ज्योति बिंदु ऊपर से आता है तो किसका आधार लेता है? प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेता है ना, जिनका आधार लेता है वो दोनों साकार है या निराकार है? साकार। पतित है या पावन है? पतित है। मन प्रवृत्ति जरूर चाहिए, बाबा 100 वर्ष के लिए आए हैं, तो 2018 में एक शुरू होता है, तो 18 वर्ष रहते हैं बाबा। ये कौन सी मुरली में बोला कि शिव बाबा 100 वर्ष के लिए आए हैं? 100 वर्ष का संगम युग है, बाकी शिव बाबा का काम है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। आग लग के पूरी होगी फिर वह बाबा यहाँ क्या करेंगे? और ज्ञानेश्वर क्या है? रेड़ा रेड़ा है भैंसा। क्या भैंसा? रामचंद्र अपने बच्चों के लिए तो दुख किए हैं, हैं? रामचंद्र हम बच्चों के लिए अति किए हैं, लेकिन नीचे में कुछ ऐसी कहावतें बनी है जिन कहावतों में राम शब्द का प्रयोग है और वो अच्छी रीति नहीं है, जैसे कि घूमे राम भगन मिथुन, राम नाम जपना। तो ये खराब बात थोड़ी हुई मुंह में राम बगल में छुरी। ये तो बताया कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुख में राम राम निकलता रहता है लेकिन बगल में माने उनके हृदय में छुरी रखी हुई है कि घात कर दें। दूसरा देखे कि ये तो बड़ा भक्त है आदमी, और दूसरा तो भक्त समझे और हमको मौका लगे तो हम पार कर दें। भगवान भी आते हैं, राम संसार में प्रत्यक्ष होते हैं तो दोनों बातों का ज्ञान देते हैं, अंदर क्या होना चाहिए और बाहर क्या होना चाहिए, अंदर क्या है और बाहर क्या है ये भी पहचान देते हैं, ताकि धोखा न हो जाए, नहीं तो ज्ञानी किसको कहा जाएगा?
धोखा खाने वाले को ज्ञानी कहा जाएगा? नहीं। पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य भी कह रहे हैं। मैं अनेक जन्म सचिव प्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, जिसके आधार से स्वराज्य भविष्य में भविष्य में स्वराज्य के आधार से संग्रामी हूँ। स्वराज्य पाते हैं ना, आत्मा स्वराज्य पाते हैं, स्वराज्य कहेंगे। फिर उसके आधार से भविष्य में सचिव त्रेता भविष्य नहीं बताया, भविष्य तो हमारा यही संगम युग में बन जाएगा। ऐसे नहीं कि सचिव में ही भविष्य बनेगा, सचिव से भी ऊंचा भविष्य हमारा स्वर्णिम संगम युग में बन जाएगा। हाँ, यहाँ विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, सचिव में विश्व थोड़ा ही होगा। विश्व माने विश्व, विश्व उस हिसाब से कहेंगे कि जो भी सात नारायण होते हैं वो दूसरे धर्मों के होते हैं, उस हिसाब से कहेंगे। मानी सभी धर्मों की आधार मूर्त आत्माएं और बीज रूप आत्माएं सचिव त्रेता में होती हैं। उन बीज रूप और आधार मूर्त आत्माओं के आधार पर कहा जाएगा विश्व, बाकी 500-700 करोड़ विश्व वहाँ नहीं होता है, वो तो संगम युग में ही होगा। अंदर की सुंदरता और बाहर की सुंदरता में क्या फर्क है? मन के अंदर की सुंदरता बाहर की सुंदरता में क्या फर्क है? अंदर एक और बाहर दूसरा, ये अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, ऐसा इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि हर एक आत्मा अंदर से खौफनाक हो और बाहर से सुंदर हो, जरूरी है क्या? लेकिन अगर कोई है तो बहुत खौफनाक खतरनाक है, इसके लिए भक्ति मार्ग में भी कहा, बिसर सा भरा कनक घट जैसे, सोने का घड़ा हो और उसके अंदर भरा हुआ है विषय, विषय विषय वासना। देखने में तो बहुत सुंदर दिखाई दे लेकिन अंदर से विषय वासना वैश्यावृत्ति भरी हुई है, सुपनखा पूतना भरी हुई है, तो सुंदर है या भौड़ी है? बाकी ऐसा जरूर है कि संगम युग में कोई बाहर से सुंदर चेहरा लेकर आता है और अंदर से भी हो सकता है सुंदर हो, तो ब्राह्मण परिवार का कल्याण करेगा, कल्याण करेगा, कल्याण ही करेगा। बड़े बड़े विद्वानों ने भी, जो अनुभवी विद्वान हुए हैं, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लिखा है कि मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति होती है, बाहरी चेहरे मोहरे से पढ़ करके ही वो जान लेते हैं इनके अंदर क्या है। लेकिन सबका चेहरा एक समान नहीं होता है, सुपनखा या पूतना का जो चरित्र दिखाते हैं वो चेहरा सदैव एक जैसा रहता है, या कभी राक्षसी का चेहरा बन जाता है और कभी सुंदरी का चेहरा बन जाता है, हैं? कभी राक्षसी का चेहरा बन जाता है और कभी
सुंदरी का रूप धारण कर लेती है, एक जैसा रूप नहीं रहता है। होना चाहिए क्या? सदैव एक जैसा रहे। सदा बाप के साथ का स्वाद है, सदा बाप के साथ का स्वाद है, इसीलिए भी कुछ है। सदा बाप के साथ, बाप के साथ का स्वाद है, सदा अच्छा। बाप के साथ कोई सदा सुहागिन बन करके रहे, सदा ही सौभाग्यशाली बन करके रहे। सुहागिन अर्थात सौभागिन, सौभाग्यशाली बन करके रहे माने बाप के साथ वफादारी, आज्ञाकारी, फरमान बरदारी में कभी कमी न होने पाए। अगर बाप के साथ पार्ट बजाने वाला सदैव ही आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार बनकर के रहेगा तो सौभाग्यशाली बनेगा या दुर्भाग्यशाली बनेगा? सौभाग्यशाली बनेगा। हाँ तो ऐसा है, सदा बाप के साथ का सुहाग है, इसीलिए भी तिलक है। तिलक के बारे में तिलक है ना, ठीक है। बाप विश्व की बादशाही का तिलक धारण करने वाला है। बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का, जिसमें आत्माओं का बाप प्रवेश करता है, वो सदैव इस सृष्टि पर ऊंच पाटधारी है। तो उसके साथ जो रहने वाले होंगे वो भी तो समान स्टेज को धारण करने वाले होंगे ना। विश्व की बादशाही का तिलक धारण करने वाला बाप है, आत्मिक स्मृति का तिलक धारण करने वाला बाप है। तो जो संगी साथी होंगे उन पर संग का रंग नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। हाँ नागर, हाँ। एक होता है नगरी नगर, और एक होता है नागर। गांव उतना लुभावना नहीं होता है, छोटा रूप होता है, और नगर बड़ा रूप होता है, ज्यादा लुभावना होता है। इसलिए आज गांवों से जनसंख्या उड़ उड़ करके कहां पहुंच रही है? नगरों में पहुंच रही है। और जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण कहा जाता है, ऐसे ही नगर और नागर का संबंध है। ब्रह्मा ऊंचा कार्य करने वाला बनता है या ब्राह्मण ऊंचा कार्य करने वाला बनता है? ऊंचा कौन बन जाता है? कहते हैं बाप से बच्चा सवाया बन जाता है। तो ऐसे ही नागर, नागरी ये शब्द भी है, और गिरधर नागर पहाड़ को, गिर माने पहाड़, धर माने धारण करने वाला। कौन से पहाड़ को धारण करने वाला? कौन सा पहाड़ है जिसे, जिसको धारण कर लिया और उनको गायन हो गया? गौवर्धन, 16,000 गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़।
जहाँ 16,000 गऊओं की वृद्धि हुई, ऐसे पहाड़ को धारण कर लिया तो कितना सुंदर दिखाई पड़ता होगा। इसलिए नाम पड़ा है गिरधर नागर श्री कृष्ण। संगम की कृष्ण की बात है, न सतयुग के कृष्ण की बात है और न दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है। दादा लेखराज ब्रह्मा ने भी कितनों की पालना की, 300-400 की पालना की। वो कृष्ण का संपूर्ण रूप नहीं है। मोहन जोड़ते हैं, मस्त वो तो आज की भाषा है, शास्त्रों की भाषा नहीं है। मस्त मोहम्मद गिरधारी ना लोटा ना थारी, जिसके मुंह में निराकारी स्टेज का मद भरा हुआ हो, माने चेहरा रोहानियत से भरा पूरा हो, बेगमपुर का बादशाह दिखाई पड़े, उसको किसी की दरकार नहीं। उसके लिए बोला है मस्त मोहम्मद गिरधारी। भक्ति मार्ग में गिरधर भी कह दिया है और भक्ति मार्ग में शंकर को भी मस्त लंगोटिया दिखाते हैं। हैं तो दोनों एक ही पात्र। एक ही पर्सनालिटी है। बल आत्माएं दो दो काम करती हैं, तीन तीन काम करती हैं, लेकिन बाहर से देखने में तो एक ही आता है। हाँ। केसरी कहा जाता है शेर को, केसरिया रंग का मोड़ा होता है, शेर के जो बाल होते हैं मुखड़े के वो कैसे रंग के होते हैं, केसरी रंग के, तो केसरी कहा जाता है शेर को और शेर की औलाद है पवन सुत कहा जाता है। नंदन माने पुत्र, हाँ, अंजनी माँ का नाम था, ज्ञानांजन लगा हुआ था उसको। किसका पार्ट है हनुमान का पार्ट किसका है, हैं? हनुमान का पार्ट है ब्रह्मा का और वो किसके बच्चे हैं, ज्ञानांजन वाली माता कौन सी है, जगदम्बा? हाँ, क्योंकि वो हवा के रूप में पार्ट बजाता है। जो भी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, हवा होती है, क्या होती है, देवताएं हैं,
उन देवताओं में एक देवता का नाम है पवन, पवन देवता, पवन पवन तने बल पवन सवाना, उनका वेग वायु के समान वेगधारी है, जैसा बाप वैसा बच्चा। पवन देवता का नाम है, जैसे पांच देवताएं हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इनको देवताओं के रूप में देखा है, इनमें एक की औलाद हनुमान को दिखाते हैं, उन्हीं का रूप भीम को दिखाते हैं, और एक सच्चा सत्य, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, अंग्रेजों की भी यही मान्यता है कि गॉड एक ही है और गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही गॉड है, माने 100% सच्चा सिर्फ एक ही है और बाकी जो भी है वो कुछ न कुछ मिक्स हो जाते हैं, कोई 100% झूठे हो जाते हैं और कोई 125% झूठे हो जाते हैं, बाकी 100% सच्चा सिर्फ एक ही है। बिल्कुल आ जाते हैं महाराज के प्रभाव में, तब तो धोखा देते हैं। वो तो जो सूर्यवंशी का बीज है वो तो नास्तिक ही बन जाता है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। मुरली में क्यों बोला ऐसा, उसको तो किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रहती, सब भ्रष्टाचारी है, एक भी सच्चा नहीं है। जब तक परमपिता परमात्मा से भी सुधरापन आ जाए, और उसके आते ही सबसे पहले पहचान उसे होती है, और कोई को इतनी जल्दी पहचान होती भी नहीं, और प्रैक्टिकल में अगर सत्य एक ना रहा होता तो लक्ष्मी नारायण का इतना गायन है, फिर सत्यनारायण अकेले की कथा क्यों गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा गाई जानी चाहिए, लेकिन नहीं, लक्ष्मी भी सत्य नहीं है। जब तक रूपरू आकर के ईश्वरीय ज्ञान न लेवे, वो भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। इसलिए सीढ़ी के चित्र में अंत में सभी देवियों के लिए डूबी जा डूबी जा डूबी जा दिखाया गया है, ऐसे नहीं कि जगदम्बा के लिए ही दिखाया गया है, नौ दुर्गाओं के लिए दिखाया गया। एक सच्चा बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो सब झूठे साबित हो जाते हैं। जब गुप्त है तो सब अपने अपने को सच्चा साबित करते हैं। सच्ची की साजू के लिए कार्य है। हाँ। जो गोमन के सूर्य होते हैं। सत्य बाप प्रत्यक्ष होता है तो सच्ची गीता भी प्रत्यक्ष होती है, लेकिन सच्ची गीता भी रचना है या रचयिता है, वो भी रचना है। तो
चलो।